तपती गर्मी, चिलचिलाती गर्मी, और ऐसे में यदि थोड़ी राहत मिलती है तो वो मिलती है पानी से। और पानी आज इस चलती गर्मी में बेहद ज़रूरी हो चला है। आप कहीं भी रास्ते में जाते गए आपको पानी तो पीना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। बता दें कि खांसी में काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो पानी की स्टॉल लगाते हैं गर्मी के सीजन में। ऐसा ही खांसी के भगत सिंह रोड पर दो स्टॉलें लगाई हुई है। ये कैसे हो जी? और ये बता दें जो यहाँ पे स्टॉल लगाई गई, छबील लगाई गई, वो जय माता दी सोशल एंड स्पोर्ट्स ग्रुप की तरफ से लगाई जा रही है। ये भगत सिंह रोड है, यहाँ पे एक इससे आगे लगती है। इसके जो प्रधान है समिति के वो हनी रावल गए, और टीम के सभी सदस्य भी लोग हैं वो समाज सेवा के लिए अपने आप में ही डेडिकेटेड गए, लगे रहते गए कोई ना कोई कार्य पे, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो या किसी भी प्रकार का कोई भी कैंप हो, वो सामाजिक कार्यों में लगे रहते गए। तो कहते हैं जैसे इस गर्मी के अंदर एक बूंद पानी की मिल जाए तो काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। कुछ लोड पे इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? बलवान। कितना सही मानते हैं ऐसी संस्थाएं जो आगे आकर गर्मियों में पानी पिलाने का काम करती है, प्याऊ लगाती है? पानी गर्मी का टाइम आ गया, पानी पी रहा थी आनी दानी ने, बच्चा ने, स्कूल के बच्चा ने, और आदमियों ने है? बहुत जगह जगह दो दो किले पर पानी का प्रोग्राम होना जी, होना चाहिए। हाँ, बेहद जरूरी है। दो दो किले, पाँच पाँच किले पे, चुराहे पे, चुराहे पे, चुराहे। तो इनका कहना है बलवान जी का कि हर चौक चौराहे पर इस तरह से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। काफ़ी सराहनीय जो कार्य है वो ये संस्था कर रही है, जय माता दी सोशल एंड स्पोर्ट्स ग्रुप। यहाँ पे आपको बताते चलें कि हर दिन 15 से 20 कैंपर इनके पानी के यहाँ लग जाते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे, देखिए इस जो इन्होंने कैंपर रखवाए पानी के, उसका लुफ्त उठा रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं। काफ़ी दूर से ये लोग आए हैं चलते हुए, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और ऐसे में इनको पानी की तो घूट मिल गई तो सोने पे सुहागा हो गया। इन्हीं से जान लेते हैं, क्या कहेंगे सर? जैसे कि पानी की जो कैंपर रखे हुए, कहाँ से आ रहे हैं आप? पालेवर। तो क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। कितना सही मानते हैं ऐसे होना चाहिए प्याऊ हर चौक चौराहे पे? होना चाहिए, तपती गर्मी है, क्योंकि ऐसी गर्मी जो अब पड़ी है जेठ के महीने में पड़ती है, लेकिन इस बार तो पहले ही देखने को मिल रही है। पानी पूरी पी ले जी, मजदूर भाई पसीने तब से जी। जी तो देखा आपने, सुना इन लोगों को, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और ऐसे में अगर चलते हुए पानी की दो घूट मिल जाए तो कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया, प्यासे को पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको दिखा देते हैं एक स्टॉल, आपको पहले हम दिखा चुके हैं जो छबी छबील यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है। बता रहे थे जैसे कोई भी प्यासा होता है तो उसको पानी बेहद ज़रूरी है इस तपती गर्मी में। संस्था के कुछ लोग हैं, इनसे जान लेते। सर कितने दिनों से ये सेवाएँ आपकी चल रही है? ये 1 अप्रैल से चल रही है सर जी। कंटिन्यूटली चलेगी? हाँ कंटिन्यूटली। क्या इसका पर्पज है, क्या मोटिव है? तो गर्मी को देखते हुए हमने ये सेवा लगाई है जी। ये यहाँ पब्लिक ज़्यादा है, इस रोड पे पानी की सेवा है नहीं पहले कोई भी, इसको देखते हुए हमने ये सेवा की है। थैंक यू। जान लेती हैं ये संस्था की है। सर क्या नाम है? विपिन। विपिन जी, जो स्टॉल लगाई गए है आपकी संस्था, इसके अलावा और क्या क्या काम करती है? और हमारी संस्था 2010 से ब्लड डोनेशन कैंप, पानी की सेवा, खाने की सेवा, और इसके अलावा जो भी सामाजिक सत्र पे सेवा हो सकती है उसके लिए हम तत्पर रहते हैं।
और समाज में हम सब मिलकर चलना चाहते हैं। और अभी हमने पानी सेवा लगाई है, अभी हमारा 13 अप्रैल को जो है राजकीय महाविद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें मैं सभी हाथीवासी को बुलाता हूँ ताकि वो आए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें। हमारे ग्रुप के जो सदस्य हैं सभी कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपने सुना होगा नर सेवा नारायण सेवा, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी में जल सेवा नारायण सेवा हम लोग कह सकते हैं। संस्था के लोगों को भी सुना आपने, जो यहाँ पे लोग आए पानी पीने के लिए उनसे भी आप लोगों ने सुना। एंटी नेशनल भी इस मुहिम की जो पैरवी करता गया, इस मुहिम को सपोर्ट करता गया। आप लोग भी हांसी के घर चौक चौराहे पे या फिर हरियाणा या फिर हिंदुस्तान में कहीं भी रहते गए, इस गर्मी के अंदर प्याऊ लगवाएं, कैंपर रखवाएं या जैसे भी हो पानी की सेवा ज़रूर करें। आप देखते रहिए एंटी नेशनल, मैं अनुराग सिंह।